और धीरे धीरे वो घड़ी आ ही गई, हम लोगों का निकलने का टाइम आ गया है। भाभी जी ने सब पैक कर दिया, इसमें देख सकते हैं सोनाक्षी इतना बड़ा बोतल ले रखी है पानी पीने के लिए, सब लोग उसमें पियेंगे। सोनाक्षी जो चप्पल लाई थी वो टूट गया क्या? ऊपर रखा वो, बोलती सिलवा देते उसको। चलिए सब सामान रखिए, हम लोग निकलते हैं धीरे धीरे, टाइम आ गया है। चलो री सब गाड़ी में बैठो। क्या सो फैमिली टाइम आ गया है और वंदना जी विदाई देने वाली है तो पैसे मांग रही है तो मैं इधर आ गया हूँ। इनको पैसे देता हूँ, ये देखो पर्स रख दिया, बोला कि निकाल लो जितना निकालना है। कितना निकाले तो दे दिया हूँ इनको पैसे, विदाई देंगी ये। और क्या देखते हैं, ऋषभ भी आ गया इसी बीच। दो दो सौ दे दो। चलिए चेंज है इसमें कि नहीं, सब निकाल ली पता चला। सब लोग भावुक चेहरे देख सकते हैं आप लोग, सानिया काफी भावुक हो रखी हैं। लो सानिया मेरे तरफ से। तो वंदना जी बांट रही हैं सबको। लो लो ना। लो तुम्हारी आंटी दे रही हैं दक्षिणा। लो लो कहाँ जा रहे हो? शर्माओ मत, लो चॉकलेट बिस्कुट खा लेना। चॉकलेट बिस्कुट नहीं खाते वो लोग, पैसे बचा के रखते हैं। कुरकुरे खाते हैं। तो जैसे जैसे करीब आ रहा है तो सबकी दिल धड़कने तेज हो जा रही है। और सबका जाने का मन नहीं, कैसा लग रहा है तुम्हें जाने का मन कर रहा? हम तो इनको बोले कि रुक जाओ होली बाद जाना, तो कह रहे नहीं हम जाएंगे। लेकिन मजबूरी है ना, पता है। मजबूरी तो सबकी होती है, क्या कर सकते हो। तो पापा भी तैयार हो, जाओ कि पानी दे दो पापा को। पहले से ही आशीर्वाद लेके फुर्सत हो रही है, घर के अंदर ही हो जा रही है। पापा तो स्टेशन चलेंगे ना, अच्छी बात, खुश रहो। अच्छे से आशीर्वाद लेते मम्मी का, मम्मी का आशीर्वाद बहुत तेज लगता है। माँ बाप दिल से आशीर्वाद देते हो तो लगता है। पापा चलो पापा का भी छू लेते हैं, पापा जाएंगे साथ में, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा फिर भी छू लेते हैं। जाओ बेटा तुम भी छू लो पापा पर, जाओ वो जाएगा ही नहीं। तो गाय चली बने रही ब्लॉक के अंदर। तो फैमिली में जैसे बाहर बैग वैग लेके आया और देख रहा हूँ सानिया और सोनाक्षी देखो कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। आ जाओ, ये तो होता रहता है, आना जाना लगा रहता है, हम जा रहे हैं फिर वापस आएंगे। क्यों रो रही हो? फिर जैसे गए थे रक्षाबंधन पे आए थे ना, होली पे नहीं आएंगे फिर, कुछ पड़ेगा तब देखा जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, होली पाएंगे ठीक है, अब मत रो होली पाएंगे। चलो देखो ऋषभ भी इधर रोने लगा है, भावुक चेहरा हो गया है। पापा तैयार हो गए हैं गाड़ी जाने के लिए। मत रो सोनाक्षी, रोओगे तो होली नहीं आएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ वंदना जी चुप करा रही है दोनों को कि क्यों रो रही है। ये तो आना जाना लगा रहता, जा रहे हैं फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, ये तो दस्तूर है। चमक चांदनी रखा थी ना तुम, चमक। तो चलिए तैयारी हो गई, सब बैग वेग आ गया, चलो लेके आते हैं। ऋषभ देखो इतना बड़ा बैग लेके आ गया है, ले आओ। ऋषभ अपना बैग छुपा के रख दिया ताकि मिले ना, और इतना बड़ा बैग लेके आ गया बाहर, देखिए सबके चेहरे। एक एक चेहरा दिखा देता हूँ, भावुक चेहरे, आग से छलकते हुए आंसू। गोलू देखो बैग, ऋषभ अपना बैग देख के रोने लगा, ऋषभ का बैग।
ऋषभ अपना बैग छुपा के रखा था, गोली उठा के ले आया तो ऋषभ रोने लगा। वो इसीलिए बड़ा वाला लेके आया ताकि छोटा वाला कोई ना लेके जाए। जो बोलू तो दिल्ली जो चलोगे गोलू? चलो लेके चलते, टिकट नहीं लगेगा, ऐसे चल दो फ्री में। क्यों रो रहे बेटा, मत रो, चलो आएंगे फिर। ये देखिए सब सामान एडजस्ट कर दिया है मैंने, सब कुछ रख गया मम्मी। हे लड़का देखो यहां का रख दो ना पीछे वाला। अरे चलो जगह, चलो जी टाइम आ गया है बाय बाय करने का। जाने दो साइड में, सामान गिर रहा है गिरने दो। चलो सानिया की मम्मी सोनाची रो रही थी, मुस्कुरा रही है सानिया, अभी भी रो रही है। बताओ अब मत रो सानिया, जाने दो फिर आ जाएगी सोनाची। ऋषभ देखो इतना लाली पाके शांत है। तो गोलू से पूछता हूँ, गोलू जाने का मन है? कह रहा हाँ। गोलू का मन है, हमने बजरंगबली का पैर छू लिया है। देखो हमारे दोस्त हैं, अलविदा कह देते, चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, सब लोग बाय बाय। चलो देखो कैसे बैठे हैं, जगह नहीं है बिल्कुल भी, सब लोग सोनाची रो रही है। सही कैसे बैठी है? रुका रहा तभी बहू। जय बाय सानिया, बाय मम्मी, बाय। अलविदा कहने का टाइम आ गया, हम लोग चल दिए हैं भाई। देखो हम लोग घर से निकले ही थे, थोड़ी दूर पहुंचे थे, इतने में एक सामान याद आया कि जो जग का पानी है वो भूल गए हैं। अब वापिस हम लोग फिर जा रहे हैं घर की तरफ। हम लोग दोबारा आ गए थे, घुमा रहे पापा गाड़ी, थोड़ा दिक्कत होता ना घुमाने। I am fine, Sanya Sigara. I am fine. ये शास्त्री ब्रिज पे हम लोग, दोनों तरफ लगा हुआ है, इस तरफ भी लगा हुआ है ये कुंभ मेला। कल जाओगे गोलू? गोलू कह रहा कल हम लोग जाएंगे। हम लोगों के साथ नसीब में नहीं था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए हैं, सब किस्मत का खेल है। आप लोग दिख रहा होगा पानी गंगा जी का, ये गंगा जी का पानी है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों। सो फैमिली हम लोग स्टेशन पहुँच गए और हमारी ट्रेन लगी नहीं हुई है, यहाँ देख सकते हैं सब बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं। ऋषभ देखो इतना चॉकलेट गोलू दिया इसको, काफी उदास है बेचारा, जाने का मन नहीं है। कहाँ चली गई? तो हम लोगों की देख सकते हैं अभी हम लोगों को ट्रेन नहीं लगी हुई है, बस थोड़ी देर में ट्रेन लगने वाली है। और यहाँ पापा गाड़ी लेके खड़े हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, देखिए इतना सारा सामान हमें होगा। तो देखते हैं जाने पर ये सब रोता है क्या करता है। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? पद्दू कर दिया। ऋषभ पद्दू कर दिए? तो हमारी ट्रेन आ गई, बस लगने ही वाली है। सामान हमने ट्रेन में रख दिया है, बस ऋषभ का कुछ खाने पीने का मन था तो जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए उसके लिए। ये हमारा प्रयागराज जंक्शन है और हमारा हम सफर गाड़ी है। तो बच्चों के लिए हमने चिप्स वगैरह ले लिए, देख सकते हैं, और ऋषभ काफी परेशान कर रखा था। तो अलविदा कहने का टाइम आ गया, सुनो अच्छी, चलो भाभी को छोड़ के आते हैं। बैठ जाओ तुम लोग,
बाय। तो लोग जा रहे हैं, टाइम हो गया क्योंकि ट्रेन जाने में अभी आधा घंटा है, तब तक हम बोले कि चले जाओ, क्यों इतना देर वेट करोगे। हमारी ट्रेन चल रही है और सोनाक्षी देखो कैसे बैठी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सो फैमिली हम लोग पहुंच गए आनंद विहार स्टेशन, ये देख सकते हैं सुबह का टाइम हो गया है और टाइम हो रहे हैं 7 बजने वाले हैं। ऋषभ गुड मॉर्निंग बोलो। ऋषभ अभी सो के उठा है तो बोल नहीं रहा है। और ये आनंद विहार स्टेशन है और हमारे सामान सब रखा गया है, ऋषभ खड़ा है सोच रहा है। हाँ बंद कर दो, सब हो गया। अगर मैं किसी भी हाल में नहीं आता सामान, दो गाड़ी करना पड़ता और क्या, दो गाड़ी करना पड़ता, फिर बात क्या होती। ये सब बैठ गए, हम भी बैठ जाते हैं सबके साथ में। अब हम लोग बैठ के निकल गए घर की तरफ। ये देखिए इधर लेफ्ट में गाजियाबाद है और हम जहाँ चल रहे हैं दिल्ली है, ये बॉर्डर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन है, ये हमारा घर देखिए तहस महस हो गया, कबूतरों ने पूरा ऐसी तैसी कर दी है, कितना देखिए कबूतर से ही परेशान है। यहाँ पे अंडा भी दिया है, ये देखिए वाशिंग मशीन, ये देखिए यहाँ पे ऋषभ का साइकिल रखा है, यहाँ पे दो अंडे भी दे दिए कबूतर ने। क्या बेटा ये दे दूँ आपके लिए ही आया है, बेचारा सुबह से ही बस टॉफी और चॉकलेट खा रहा है, तो मैं इसके लिए देखो ग्रेप्स और ये ऑरेंज लेके आया हूँ। क्या बेटा टॉफी मत खाया करो ना, नुकसान करता है ना, ये फल उल खाना ना, रुको इसको धुल दो पहले। गोलू दिया था, कोई बात नहीं भैया है ना, चलो इसको धुल देते फिर खाना ना। तो ये फैमिली देखिए हमारा घर चमक गया है, काफी मेहनत करना पड़ा है और सवा एक हो गए हैं, और देखिए काफी मेहनत के बाद देखिए हम लोगों ने घर चमका दिया है और सवा एक हो गए हैं। अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्योंकि बहुत ही परेशानी हुई है, तो बड़ा मेहनत करना पड़ा है। तो फैमिली हम लोग अच्छे से दिल्ली पहुंच गए हैं, आप लोगों को प्यार मोहब्बत से, हम लोग गांव से दिल्ली आ गए हैं और हमारा इसी बीच राशन सारा खत्म हो गया, तो हम जा रहे हैं राशन लाने क्योंकि अभी तक खाना हम लोगों ने नहीं खाया, 1:30 बज गए हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं और मैं चलता हूं राशन लेके आता हूं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो से, तब तक करते हैं बाय बाय फैमिली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय।